अस्सलाम वालेकुम। आज हम अरबिक लेटर बा की दूसरी शक्ल की प्रैक्टिस करेंगे। एक लाइन ड्रॉ करने के बाद आप ऊपर इसके साथ कट लगा दें। हर कट सेम शेप और सेम साइज़ की होनी चाहिए। सात कट लगाने के बाद राइट साइड की तरफ हमने एक लाइन सीधी ड्रॉ करनी है इस तरह से, और इसी कट के लेफ्ट साइड पे हम एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ राइट साइड पे ही आप दो कट लगा दें। ये मिज़ान है, मिज़ान बनाना याद नहीं करना आपको, प्रैक्टिस के लिए आपको इसकी नीड होगी। जब आप अच्छे से इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपके सारे लेटर्स आपसे फ्री हैंड आसानी से बन जाएंगे। यहाँ नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सही, और यहाँ पर हम पौना कट लगाएंगे। पौना कट मतलब बाकी हाइट को बैलेंस करेगा, मतलब उसको इतनी हाइट होनी चाहिए बाकी जितना कि पौना कट की हाइट है। यहाँ सवा कट लगा दें और एक कट छोड़कर एक कट और लगा दें। अभी देखिए यहाँ से बा स्टार्ट होगा और इस तरह जो हमने पहला कट लगाया है वो बा उसके एड को टच करता हुआ जाएगा, सही। ये देखिए ऐसे, और फिर सवा कट को इसी तरह ये टच करता हुआ गुजरेगा। यहाँ से आप रुक जाएं, ठीक है, और दोबारा कलम में इंक लेके अब ऊपर की जानिब आपका बा गोल होता हुआ जाएगा, ये देखें, और जो हमने पौना कट लगाया था वहाँ जाकर ये रुक जाएगा बस। ये देखिए यहाँ इस शेप में बाकी ये वाली यहाँ पर ऐसी शेप बनेगी, ऐसी शक्ल बनेगी, सही। इसी को हम फ्री हैंड बना लेते हैं, ये देखिए। जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें किसकी कितनी लेंथ रखनी है, कितना गुलाई रखना है, और ये इसकी ये वाली शेप। जज़ाकअल्लाह।